नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले कई दिनों से कई मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। जो चमकी बुखार है उसकी वजह से अब तक करीब 100 के आसपास में बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। और उसके बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उनसे और उनके परिवार वालों से मुलाकात करनी और किस तरीके से इस बीमारी से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए। लेकिन देखिए, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद राबड़ी देवी एक बार फिर से अपने ट्विटर पर एक्टिव हो गई हैं और आज सुबह एक के बाद एक कुल 5 ट्वीट के सहारे उन्होंने बिहार सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर में बड़ा हमला बोला है। तो राबड़ी देवी का ये ऑफिशियल ट्विटर पेज है, राबड़ी देवी RGD के नाम से। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ट्वीट है ये करीब घंटे भर पहले का है, उसमें वो लिखती हैं कि NDA सरकार की घोर लापरवाही, कुव्यवस्था, CM की महामारी को लेकर अनुत्तरदायी, असंवेदनशील और अमानवीय अप्रोच, लचर व भ्रष्ट व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं भ्रष्ट आचरण के कारण गरीबों के 1000 से ज़्यादा मासूम बच्चों की चमकी बुखार के बहाने हत्या की गई है। उसके बाद लिखती हैं राबड़ी देवी कि 11 बरस से ये लोग बिहार में राज कर रहा है, हर साल बीमारी से हजारों बच्चे मरते हैं, लेकिन बताते सैकड़ों हैं, फिर भी रोकथाम का कोई उपाय नहीं, समुचित टीकाकरण नहीं, दवा और इलाज का सारा बजट ईमानदार सुशासनी घोटालों की भेंट चढ़ जाता है, बिहार का बीमार स्वास्थ्य विभाग खुद ICU में है। उसके बाद एक और ट्वीट है, तीसरा ट्वीट ये है, उसमें लिखती हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इतनी मौतों के बाद अब केंद्र और प्रदेश के मंत्री क्या कृत्य करने चार्टर फ्लाइट से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जब अस्पताल के दवाखाने में दवा की जगह कफन रखे हैं, डॉक्टर नहीं है तो क्यों नहीं बीमार बच्चों को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाते हैं। उसके बाद एक और ट्वीट करती हैं राबड़ी देवी और लिखती हैं केंद्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कुतर्क गढ़ रहे हैं, एक कहता है कि मैं मंत्री हूँ डॉक्टर नहीं, मरते बच्चे किस्मत का खेल है, और फिर उसी किस्मत को लात मार बिस्कुट खाते बेशर्मी से मैच का स्कोर पूछता है, एक प्रेस मीटिंग में ही सो रहे हैं, लीची को दोषी बताते हैं, भगवान की आपदा बताते हैं। उसके बाद राबड़ी देवी यहीं नहीं रुकती हैं, एक और ट्वीट करती हैं, लिखती हैं मुख्यमंत्री जी सदा की तरह मौन है, मुजफ्फरपुर में 40 बच्चियों के साथ सत्ता संरक्षण में जन बलात्कार किया गया तब भी मौन थे, मुजफ्फरपुर में ही भाजपाई नेता द्वारा 30 मासूमों को कार से कुचला तब भी मौन, और हर वर्ष की भांति फिर हजारों बच्चों की चमकी बुखार से मौत पर भी चुप। उसके बाद एक और ट्वीट और उसमें वो लिखती हैं क्या 14 वर्ष से राज कर रहे मुख्यमंत्री की हजारों बच्चों की मौत पर कोई जवाबदेही नहीं है, कहाँ है गरीबों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना, हम इस नाजुक समय में राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन गरीब बच्चों का समुचित इलाज करना सरकार का धर्म और दायित्व है। ये 5 ट्वीट्स और राबड़ी देवी ने बेहद आक्रामक शब्दों में नीतीश कुमार, उनकी सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर में बड़ा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने मासूमों की लगातार हो रही मौत को हत्या करार दिया है, यहाँ तक कह दिया है कि इलाज के लिए दवाएँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में कफन पड़े हुए हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।